ये गेहूं और रागी की रोटी है, उसके ऊपर घी है और लाई की सब्जी, और उसके साथ गिलास भर के दूध मिला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम भी अच्छे हैं। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खेती का काम किया जाए आज। सिंस पिछली बार भी मैंने जब ब्लॉग बनाया था तो आपको अदरक दिखाई दी, इस बार भी अदरक तैयार है, तो मैं अदरक खोद के दिखाता हूँ आपको कि आज कितनी अदरक हो रही है। हालांकि इस बार अदरक का उतना अच्छा पैदावार नहीं है, बट फिर भी खोदना तो है, मेहनत कर रखी है, लगा रखा है। तो अभी ये इलायची का पौधा है, बड़ी इलायची, और इस बार इसने फल भी दिया है। लगभग 100 ग्राम बड़ी इलायची इसमें से मिली है, इसकी जड़ से निकलती है इलायची, यहाँ बिल्कुल बॉटम पे मिलती है। तो ये पहली बार हमने लगभग 100-150 ग्राम इसने इलायची दी है हमें, जैसे वो क्या बना रखा है वैसा। और ये बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, तमाम सब्जियां लगी हुई हैं हमारे किचन गार्डन में। कद्दू, कद्दू लगा हुआ है, बीज के काम भी आएगा और खाने के काम भी आएगा। ये मेरा घर है, इसमें गेहूं, आलू, ये आलू तो बड़े अच्छे बने हुए हैं। बेरीनाग में पानी की कमी है, उसके बाद भी हम पानी स्टोरेज करके पालक, मेथी और ये खूब सारा लहसुन, ये मेरी गाय है। तो अब खुदाई करने के लिए मुझे कुदाल की भी जरूरत होगी। ये मेरे बाबूजी बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, दिन भर अखबार पढ़ते रहते हैं। ये है अदरक, बहुत कम स्पेस में लगी है, सूख गई है बहुत ढंग से। थोड़ी बहुत खुदी हुई भी है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अदरक निकालना, आप भी देखिए कितनी अदरक निकलती है। और ये कोई सेल के लिए नहीं होती, हमारे अपने मतलब के लिए, हमारे अपने यूज के लिए बहुत हो जाती है, इसलिए आप भी देखिए हमारी अदरक को। मैं पहला पौधा इसका खोद रहा हूँ, अभी देखते हैं कितना निकलता है इसमें। ये निकला, एक पौधे से इतना निकल रहा है, जबकि छोटा सा पीस लगाया जाता है और काफी निकलता है एक पौधे। नहीं, साला पुष्पराज बैठ के करेगा आराम से।
गाइस अभी छोटा सा पोर्शन कवर किया है, थकान भी हो जाती है, थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी तो ये तो निकालना ही है, सारे अदरक तो निकालनी है। अभी बहुत छोटा सा पोर्शन मैंने किया है, इतना सा पोर्शन निपटा है, अभी आराम से कर रहा हूँ, अभी बहुत है। आधा 50% काम कंप्लीट हो गया है, 50% रह गया है, लेकिन इस बीच में ब्रेकफास्ट की कॉल आ गई थी तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गया हूँ। शुद्ध पहाड़ी ब्रेकफास्ट मिला हुआ है, अब देखिए ये गेहूं और रागी की रोटी है, उसके ऊपर घी है और फ्लाई की सब्जी और उसके साथ गिलास भर के दूध। तो काम करने के बाद डाइट भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इस नाश्ते को करने के बाद मैं फिर से अपने काम पर लग जाऊंगा। चलिए इस तरह ये पूरा खेत खाली हो चुका है, हमने इसकी खुदाई कर दी और ये उसका रेसिड्यू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अदरक कितनी हुई है, हमारे लिए बहुत है, हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो बाबू जी अभी भी पेपर पढ़ने में मस्त हैं। और ये है अदरक, इतनी अदरक हुई है, ये लगभग 30-40 केजी होगी जो हमारे लिए इनफ है। तो इस तरह आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।